Are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello, dear students, welcome to the second part of electricity. सो फर्स्ट पार्ट में हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके थे बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं अभी तक नहीं देखे हो तो जाके चेक करो फर्स्ट पार्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा साथ ही साथ आपको पता है आपको मैथ्स मास्टरी का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिसके ज़रिए आप लोग अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो मैथ्स मास्टरी एक स्पेशल कोर्स है फॉर क्लास एट स्टूडेंट्स उनका मैथ्स उसमें पढ़ाया जा रहा है जिसपे बहुत सारे बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं अपने डाउट्स को भी क्लियर करते हैं डाउट्स बच्चों फेसबुक में एक स्पेशल ग्रुप है प्राइवेट ग्रुप है बस वहीं पर जो बच्चे एनरोल किए हैं उन्हीं को ऐसेएस मिला है वो अपने डाउट्स वहीं पर मुझसे पूछते हैं उनका डाउट्स वहीं पर क्लियर होता है अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हो मैथ्स मास्टरी में तो आप लोग लिंक के थ्रू सारा इंफॉमेशन जान सकते हो एंड एनरोल भी कर सकते हो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो ओके सो इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रोस्कोप बच्चों मैं सबसे पहले यहाँ पर इसका फोटो शेयर कर दे रही हूँ आपके बुक में भी दिया होगा डेफिनेटली बुक को आप लोग देखो ठीक है अगर बुक में अच्छे से नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ पर जो फोटो शेयर कर रही हूँ उसमें आप लोग देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये एक डिवाइस होता है इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है एक ऐसा डिवाइस होता है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए ना आप लोगों को पता चल सकता है एक अननोन बॉडी है जैसे कि एक ये बॉडी है अननोन के नॉर्मली एक बॉडी है आपको पता करना है वेदर इसमें चार्ज है कि नहीं ठीक है प्रेजेंस ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी है कि नहीं है तो उसको आप लोग पता कर सकते हो थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप साथ ही साथ अगर चार्ज है तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द चार्ज वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव तो नेचर ऑफ चार्ज भी हमको पता चलता है प्रेजेंट ऑन अ बॉडी सो इलेक्ट्रोस्कोप इज बेसिकली एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू डिटेक्ट दी प्रजेंस ऑफ चार्ज और ऑब्जेक्ट और साथ ही साथ चार्ज के साथ साथ वो उसका नेचर भी बता देता है इधर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसमें प्रेजेंट है क्या है क्या नहीं है क्लियर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव डिवाइस होता है मतलब चार्ज अगर एक बॉडी में है तो फट से वो बता देगा कि हाँ ये बॉडी में चार्ज है ठीक है इसमें न बेसिकली इस टाइप का अरेंजमेंट होता है अब अब नॉर्मली मैं तो यहाँ पर एक गोल्ड इलेक्ट्रोस्कोप बनाई हूँ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सॉरी इलेक्ट्रोस्कोप जो होता है बच्चों वो ना दो टाइप का होता है पीट बॉल इलेक्ट्रोस्कोप एंड गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप ये वाला इलेक्ट्रोस्कोप आपके कोर्स में नहीं है तो हम लोग डायरेक्टली गोल्ड लिप इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे बिकॉज इसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन आएगा और कोर्स में भी आपका यही है ठीक है ओके सो यहाँ पर इस टाइप का कुछ अरेंजमेंट है इलेक्ट्रोस्कोप का जैसे कि बुक में आप लोग देखोगे तो बेटर वहाँ पर ज़्यादा समझ आएगा बिकॉज वहाँ का डायग्राम आपको ज़्यादा सही दिखेगा है ना अगर किसी को यहाँ से समझ आएगा तो आप लोग यहाँ भी देख सकते हो तो बेसिकली यहाँ पर ना इस टाइप का अरेंजमेंट होता है ये जो आपको जार दिख रहा है ये ग्लास है कांच का जार है ठीक है ऊपर में इस टाइप का जो ये है ये डिस्क है वो ब्रास का बना हुआ है उसके बाद यहाँ पर ये यह सील है ये इंसुलेटर प्लग है इसका मतलब कि कंस्ट्रक्शन के बारे में बताया है क्या है क्या नहीं है ठीक है देन ये जो रॉड है वो ब्रास का रॉड है अंदर में इसमें दो ठो गोल्ड लीव्स यूज़ किया गया है मतलब पतला पतला उसका शीट है गोल्ड का एकदम थिन है ठीक है नीचे में ये वुडन बेस है लकड़ी का बेस के ऊपर में इसको रखा गया ताकि इंसुलेशन से इसको रोक सके बिकॉज़ वुड तो इंसुलेटर होता है तो वुडन बेस के ऊपर इसको यहाँ पर रखा गया है कांच का जो जार है वो इसमें पूरा फिट है वुडन बेस में पूरा फिट रहता है यहाँ पर जो सील है बच्चों वो क्या करता है ना बेसिकली ये जो ब्रास रॉड है ना ये ब्रास रॉड उसको इंसुलेट करता है ग्लास जार से कौन ये जो सील है वो ये ब्रास रॉड को ग्लास जार से इंसुलेट करके रखता है ठीक है और भी इसका बहुत कुछ है बहुत कुछ है इसका हाँ डायरेक्टली अब गोल्ड लीव्स के बारे में ही पढ़ेंगे ठीक है गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में ओके सो गोल्ड लीव इलेक्ट्रोस्कोप अगेन अगर डायग्राम भी हम लोग देखें साथ साथ तो ये एक इलेक्ट्रोस्कोप है जिसमें बेसिकली नीचे की तरफ इस टाइप से ऐसे समझ सकते हो इस टाइप से दो ठो गोल्ड लीव्स होते हैं ये बहुत ही सेंसिटिव होता है इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है इसमें गोल्ड लीव्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत ही जल्दी से हम लोगों को बता पाएगा कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग यहाँ पर लेके आएंगे एक्चुअली ऑब्जेक्ट जिसका पता करते हैं ना हम लोग की कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं है उसको ये ब्रास डिस्क में यहाँ पर टच करवाते हैं ठीक है जैसे कि मुझे पता करना है इसमें चार्ज है कि नहीं तो मैं उसको यहाँ टच करवाऊँगी उसी की वजह से क्या होगा ना अब हम लोग को यहाँ पर कुछ मूवमेंट देखने को मिलता है किधर ये गोल्ड लिप्स में अगर यहाँ पर कुछ मूवमेंट मतलब गोल्ड लिप्स ही बता पाता है बहुत सेंसिटिव होता है कि हम लोग जो ऑब्जेक्ट यहाँ टच करवाए उसमें चार्ज है कि नहीं ठीक है देन इट हैज़ टू अर्थर्ड मेटल फॉइल स्ट्रिप्स ये आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर ये दो ठो मेटल फॉयल स्ट्रिप्स यहाँ पर प्रेजेंट है ये लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ठीक है इनका क्या होता है इनका इंपॉर्टेंस क्या है दे इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप बाय टेकिंग अवे एनी चार्ज लीकेज फ्रॉम द ग्लास चार्ज बाई चांस अगर कोई एक्स्ट्रा चार्ज मतलब अगर हम लोग कोई चार्ज को लीक मतलब चेंज करवाना है चेंज इन द सेंस अगर जैसे कि आपको चार्ज को मतलब इसको डिस्चार्ज करवाना है सपोज यहाँ पर चार्ज है आपको इसको डिस्चार्ज करवाना है तो वो अगर अगर आपको वो भी करवाना है और दूसरा अगर यहाँ पर एक्स्ट्रा ज़्यादा चार्ज हो गया एक्सेस उसका भी जो लीकेज होता है तो वो चार्ज को ना ये जो मेटल फॉयल के जो स्ट्रिप्स होते हैं ना ये लोग इसको क्या कर सकते हैं ये लोग उसको अर्थिंग करवाने में मदद करते हैं तो यहाँ पर मैं इसलिए लिखी हूँ इट द सेंसिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोस्कोप का बढ़ाता है कैसे बाय टेकिंग अवे एनी चार्ज लीकेज फ्रॉम द ग्लास चार्ज इसका ना ये फंक्शन आता है ठीक है देन यहाँ पर एक चीज़ बताया है ये इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में कि अगर ये गोल्ड लिफ्स में एक्सेस चार्ज आ जाते हैं जैसे कि ये गोल्ड लीफ है ये गोल्ड लीफ में ना चार्ज आ जाते हैं बच्चे जब हम लोग यहाँ पर ऐसे टच करवाते हैं ना तो ये गोल्ड लिफ में चार्ज आ जाते हैं अगर एक्सेस चार्ज आ जाता है कहाँ पर यहाँ पर तो जैसे कि सपोज ना और एक चीज़ मैं बता दूँ अगर आएगा इसमें प्लस तो इसमें भी प्लस आएगा एक जैसा चार्ज आएगा ठीक है बिकॉज वो चार्ज यहाँ से ट्रैवल करता है तो प्लस आएगा तो दोनों तरफ प्लस प्लस आएगा माइनस आएगा तो दोनों तरफ माइनस माइनस वाला चार्ज आएगा ठीक है जब इसमें बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है ना अब आप लोगों को पता है लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं लाइक चार्ज बेसिकली एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो जब एक जैसा चार्ज आ जाता है तो दोनों गोल्ड लिप्स एक दूसरे से डाइवर्ज हो जाते हैं ऐसे याद रखना पहले ऐसे थे अगर एक्सेस चार्ज आ गया तो बोलूँगा और ऐसे क्या होते हैं डाइवर्ज हो जाते हैं सिंपल सा चीज़ है एप्लीकेशन पढ़ोगे ना उसमें दिया है इसका ठीक है सो एप्लीकेशन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसका एप्लीकेशन क्या है दो दो चीज में यूज होता है पहला टू डिटेक्ट वेदर चार्ज इज प्रेजेंट ऑन एन ऑन अ बॉडी और नॉट और दूसरा नेचर ऑफ चार्ज तो ये दो चीज के लिए काम आता है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज सबसे पहले देख लेते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी एक बॉडी में चार्ज है कि नहीं हम लोग देखेंगे कैसे इलेक्ट्रोस्कोप पता करवाता है तो मैं यहाँ पे एकदम सिंपल तरीके से बनाई हूँ इलेक्ट्रोस्कोप बिकॉज इसमें मेन क्या है ये जो हम लोग ब्रास का डिस्क गोल बनाए थे मैं यहाँ पर उसको ऐसे बना दी हूँ ये ब्रास का रॉड है और ये लीफ है ठीक है और यहाँ पर ये स्ट्रिप्स बना दी तो इतना भी चाहिए ओके तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं डिटेक्ट कर रहे हैं वेदर कोई ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं तो सपोज बच्चों जैसे कि आप लोगों के पास पहले से ऑलरेडी एक क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप पड़ा है ठीक है इलेक्ट्रोस्कोप है ये आप लोग कॉलेज लेवल में देखोगे इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है अभी आप लोग एक चार्ज बॉडी को लेके आए कुछ भी चार्ज हो सकता है इसमें या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा और चार्ज कैसे करोगे आप लोग पढ़े हो ना आप लोगों को याद है आप लोग वो आ, ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क क्लॉथ के साथ इवोनाइट रॉड को रब किए थे फर के साथ तो वैसे अगर आप लोग से फ्रिक्शन करवा लोगे आप लोग पहला पार्ट में पढ़े भी हो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को चार्ज कैसे कर सकते हैं बाई फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन तो वैसे ही कोई भी प्रोसेस से आप लोगों को एक चार्ज एक बॉडी को चार्ज करना है फिर वो चार्ज बॉडी को आपको इलेक्ट्रोस्कोप में से टच करवाना है क्लियर समझ में आया तो बच्चों ये देखो क्या होता है ना आप लोग आप लोग ऐसे इसको टच करवाए किसमें इलेक्ट्रोस्कोप में इलेक्ट्रोस्कोप का जो ब्रास डिस्क होता है ना उसमें इसको ऐसे कॉन्टेक्ट मिला दिए टच करवाए जैसे ही आप लोग इसको टच करवाओगे तो आप लोग देखोगे आप लोगों को कहाँ पर मूवमेंट देखने को मिलेगा मैं बोली थी यहाँ पर ये यह जो गोल्ड लिप्स होते हैं ना नीचे में उनमें आप लोग देखोगे फट से गोल्ड लिप्स ऐसे और डाइवर्ज हो जाएंगे ठीक है ऐसे मतलब ऐसे ऐसे अगर थे वो लोग जैसे आप लोग टच कर वो लोगों का ऐसे डाइवर्जेंस देखने को मिलेगा अगर उनमें ऐसे डाइवर्जेंस देखने को मिला या मतलब मूवमेंट अगर हुआ मूवमेंट अगर हुआ तो उसका मतलब है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें चार्ज है तो हम इस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं वेदर चार्ज इज़ प्रेजेंट ऑन एन ऑब्जेक्ट और नॉट कैसे एक चार्ज बॉडी को लेके आओगे उसको आप लोग टच करवाओगे यहाँ मूवमेंट देखने को मिलेगा अगर आप लोगों के पास अनचार्ज बॉडी है सपोज इसमें बिल्कुल चार्ज नहीं आप लोग टच करवाओगे तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा कुछ भी नहीं है अगर ऐसा था ना आप लोग टच करवाया तो ये ऐसा ही रहेगा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा अगर डाइवर्जेंस देखने को मिला तो यस yes, मतलब चेंजेस देखने को मिला तो यस yes, चार्ज है अगर नहीं मिला तो चार्ज नहीं है वैसे ही यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोस्कोप <coughs> में अनचार्ज बॉडी को टच करवाए तो यहाँ पर गोल्ड लिप्स का अगर कोई डाइ डाइवर्जेंस नहीं दिखाया ठीक है दैट मीन्स इसमें चार्ज नहीं था अगर डाइवर्जेंस दिखाएगा मतलब चार्ज है क्लियर तो मैं यहाँ पर लिख भी दी हूँ मैंने चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद एन अनचार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्कोप में चार्ज नहीं था ये अनचार्ज है नॉर्मल इलेक्ट्रोस्कोप है ठीक है जब हम लोग चार्ज बॉडी को इलेक्ट्रोस्कोप में कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो लीव्स ऐसे डाइवर्ज होगा दैट मीन्स हाँ डाइवर्ज हुआ मतलब ये चार्ज ऑब्जेक्ट है अब वही अगर आप एक ऐसी अगेन एक ऑब्जेक्ट को ला रहे हो टच कराने के बाद भी देखिए इसमें कोई डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा नहीं है कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है दैट मीन्स ये अनचार्ज ऑब्जेक्ट है और इस केस में हम लोग एकदम न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं क्योंकि ना हम लोग बच्चों इलेक्ट्रोस्कोप को भी चार्ज कर सकते हैं अभी आप लोग टच कर दिए तो ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रोस्कोप रिख रिख लेकिन अभी अगर आप लोग को डिटेक्ट करना है कि कोई ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं तो वो करने के लिए आप लोग बेस्ट होगा ये यूज़ करो कि ये ट्राई करो कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो न्यूट्रल आप लोग लो वो ईजी रह जाता है हम लोगों के लिए ठीक है एकदम ईजी हो जाता है और बेसिकली ना न्यूट्रल ही रहता है इलेक्ट्रोस्कोप अगर चार्ज करने से वो चार्ज होगा ठीक है अच्छा अभी अगर डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज करना आपको है अगर आपको ये पता करना है कि क्या कौन सा चार्ज है पॉजिटिव वाला है कि नेगेटिव वाला है तो बच्चों अगर आपको पता करना है कि ऑब्जेक्ट में चार्ज कौन सा था तो उसके लिए ना आप लोगों को सबसे पहले मतलब ये चार्ज नेचर ऑफ द चार्ज को जानने से पहले आपको सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना होगा ठीक है अगर आप लोगों को पता करना है कि इलेक्ट्रोस्कोप कि वो हम लोग यूज़ करके वो जो चार्ज एक ऑब्जेक्ट का हम लोग नेचर जान रहे थे ना कि ऑब्जेक्ट का चार्ज का नेचर क्या है सबसे पहले हम लोग पीछे क्या पड़े डिटेक्शन ऑफ चार्ज कि ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं वो हो गया अब हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग इलेक्ट्रोस्कोप को कैसे यूज़ करके नेचर ऑफ चार्ज पता कर सकते हैं तो नेचर ऑफ़ चार्ज मतलब कौन सा चार्ज है प्लस है कि माइनस है किस में वो ऑब्जेक्ट में तो उसके लिए हम लोगों को यूज़ करना है चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप ठीक है तो हम लोगों को इलेक्ट्रोस्कोप को पहले चार्ज करना रहेगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे ऑलरेडी चार्ज होकर नहीं आते हैं न्यूट्रल रहते हैं ठीक है तो हम लोग को तो उसको सबसे पहले चार्ज करना होगा तो चार्ज हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं कंडक्शन की मैथड से या फिर इंडक्शन की मैथड से कंडक्शन का मैथड तो बहुत ईजी है अगर आपको चार्ज करना है तो आप लोग क्या करोगे जैसे कि आप लोगों के पास अगर इलेक्ट्रोस्कोप है न्यूट्रल वाला आप लोग ऑब्जेक्ट लेके आए सपोज यहाँ पर ये यह माइनस वाला ऑब्जेक्ट है ठीक है माइनस वाला मतलब आप लोग यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट को लेकर आ रहे हो उसमें नेगेटिव चार्ज है समझ में आया उसको आप लोग टच कर दिए तो बच्चों अगर आप लोग यहाँ पर माइनस वाले को टच कर दिए तो क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लोग फ्लो करके नीचे जाएंगे और गोल्ड लिप्स में भी इलेक्ट्रॉन्स भर जाएंगे मतलब गोल्ड लिस्ट में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे मतलब नेगेटिव चार्ज हो जाएगा है कि नहीं आप लोगों को पता है अगर एक ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आता है तो यहां पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गए और ये इसका और ऐसे मतलब इस टाइप से हल्का सा ये डाइवर्ज हो जाएगा क्योंकि दोनों में माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस रिपल करेगा तो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा क्लियर और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन फ्लोज डाउनवर्ड तो मैं ऐसे डायरेक्शन बता रही हूँ क्लियर एन ऑब्जेक्ट विथ नोन चार्ज प्लस या माइनस एक ऑब्जेक्ट आपको पता होगा उसमें क्या चार्ज है प्लस माइनस उसको आप लोग टच करवाओगे ब्रास कैप से तो ब्रास कैप और ये पत्ता मतलब गोल्ड लीव्स दोनों में सेम चार्ज आ जाएगा अगर प्लस वाले को टच करवाते तो क्या होता यहां बता था? अगर प्लस वाले को टच करवाते सपोज आप लोग पॉजिटिव पॉजिटिवली चार्ज कोई ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रोस्कोप का ब्रास डिस्क में टच करवाते तो बच्चों आप लोग पॉजिटिव वाले को टच करवाए कंडक्शन हो रहा है तो अब प्लस वाला तो कभी मूव करके आता नहीं है प्लस नहीं मूव करता है, है ना प्रोटोन मूव करते हैं क्या नहीं इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अब इसमें प्लस चार्ज है मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी है ठीक है अगर आप लोगों को पता है एक मैं और चीज़ बता दूं अगर आप लोग इसमें न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप में प्लस वाले को टच करवा रहे हो तो यहाँ प्लस आएगा माइनस वाले को करवा रहे हो तो यहाँ पर माइनस आएगा ये चीज़ को लिख लो कहीं पर ठीक है ये न्यूट्रल अगर इलेक्ट्रोस्कोप लिए हो अगर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट टच करवा रहे हो तो यहाँ पर ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा नेगेटिव वाला करवाओगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा पर कैसे होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स लोग मूव करके इसमें चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स लोग मूव करके यहाँ चले जाएंगे अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से इसमें आ जाएगा प्लस चार्ज और ये भी ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा तो इस तरीके से हम लोग एक कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं ठीक है तो क्योंकि हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप चाहिए था तो पहले चार्ज करना पड़ेगा तो कंडक्शन की मैथड से हम लोग ऐसे कर सकते हैं क्लियर समझ में आया जो जो इम्पोर्टेंट लग रहा है नोट डाउन कर लो वीडियो को ऐसे रिवर्स करो और जो जो मैं बोल रही हूँ ना इम्पॉर्टेंट लग रहा है लिख लो हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बोलने के चक्कर में हम लोग थोड़ा बहुत उल्टा बोल देते हैं फ्लो फ्लो में जान मुझ के नहीं तो वो चीज़ आप लोग क्लियर कर लेना क्योंकि बहुत बच्चे मुझे बताते हैं कमेंट सेक्शन में मैडम आप यहाँ ऑक्सीजन की जगह में हाइड्रोजन बोल दिए हो जाता है कभी कभी हम लोग को ध्यान रहता नहीं है कभी कभी ठीक है हो जाता है वैसे ही मैथ्स मास्ट्री में भी नॉर्मली हो जाता है बच्चों आप लोग भी देखना लाइक मैं अगर बोल रही हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर प्लस होगा कोई चीज़ बट मैं आप लोगों को बोल रही हूँ बट बोलते बोलते फ़्लो में क्या होता है ना हम लोग उस चीज़ को माइनस कर देते हैं तो वो चीज़ कभी कभार हो जाता है उतना चलता है ठीक है बट ये चीज़ अच्छा है कि आप लोग ध्यान देते हो ध्यान से समझते हो पढ़ते हो तो आप लोग वो चीज़ बता रहे हो ना बहुत बच्चे तो मैं प्लस को माइनस कर दूँगी तो माइनस ही सोच के बैठेंगे ऐसा है अब इंडक्शन से हम लोग कैसे चार्ज करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है देखो अगर इंडक्शन मैथड से आपको उब, इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज करना है तो इंडक्शन का मतलब आपको पता है आप लोग फर्स्ट पार्ट में पढ़े हो विदाउट टच तो क्या करना देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप है न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप है सिंपल वाला इलेक्ट्रोस्कोप ऐसे 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 मतलब बिना चार्ज वाला इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग सबसे पहले लेंगे ठीक है ले लिए फिर हम लोग लेके आएंगे एक तो नेगेटिवली चार्ज रॉड उसके पास और उसमें टच करवाएंगे ऐसे टच नहीं करवाएंगे सॉरी इंडक्शन है ना ये ऐसे पास में लेके आके रख देंगे पॉजिटिवली चार्ज क्या क्या ऑब्जेक्ट अब बच्चों हाँ मैं पॉजिटिवली चार्ज कर ली हम लोग नॉर्मली एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि इंडक्शन से कैसे करेंगे अब आप लोग याद करो आप लोग पहले पढ़े थे पहला पार्ट में अगर आप लोग यहाँ पर इसको थोड़ा सा तो बहुत पास लेके आना पर टच मत करवाना ऐसे रखोगे तो ये क्या करेगा माइनस वाले को ना अपने पास पकड़ के रखेगा किसको माइनस वाले को क्योंकि आप लोग ना आप उसको क्या कर रहे हो आप लोग उसको पूरा पास में लाए पर टच नहीं करवाए और ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोस्कोप था न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसके पास चार्ज है दोनों हैं प्लस और माइनस वाले चार्ज दोनों है पर इक्वल नंबर पे ठीक है तभी वो न्यूट्रल है और ये लोग में अगर चार्ज है दैट मीन्स इनमें प्लस माइनस इक्वल नंबर में नहीं है यहाँ पर प्लस वाला ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए इसमें इस प्लस चार्ज आ गया है ठीक है तो आप लोग जब इसे पास में रखोगे तो अब ये वाला जो इलेक्ट्रोस्कोप है इसके पास तो भाई प्लस वाला भी है माइनस वाला भी है अब आप लोग यहाँ पर प्लस वाले लाए हो प्लस वाला पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा अनलाइक चार्ज को अपनी तरफ घिंचेगा ऑब्वियसली अनलाइक चार्ज को वो अपने पास ऐसे घीच के रखेगा और जो प्लस वाला है उसको ये अपने आप से दूर भगाएगा इलेक्ट्रोस्कोप के अंदर में जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है ये क्या करेगा उसको अपने से दूर भगाएगा तो वो लोग यहाँ आ जाएंगे तो वो लोग इस गोल्ड लिफ्स के पास आ जाएंगे वो लोग बोलेंगे अरे हम लोगों को तो दूर भगा दिया चलो हम लोग ना यहीं पर आके रुक जाते हैं और माइनस वाला को ये यहाँ पर घींच के रखा है ठीक है इसलिए यहाँ पर ऐसा हुआ है समझ में आया फिर अभी हम लोगों को क्या करना है क्योंकि हम लोगों को इसको चार्ज करना है अगर हम लोग यहाँ से ये यह हटा देंगे तो ये फिर से न्यूट्रल हो जाएगा तो हम लोग को यहाँ क्या करना है अब हम लोग को इसको अर्थिंग करवाना है अर्थिंग कैसे करवाएंगे ये ब्रास स्टिक्स से ऐसे आप लोग अर्थिंग वाला कनेक्शन दे देना अर्थिंग करवाने में पता है इलेक्ट्रोस्कोप में कौन मदद करता है ये मेटल स्ट्रिप्स कौन करता है ये मेटल स्ट्रिप्स तो क्या होगा जब हम लोग यहाँ पर अर्थिंग करवाएंगे सो तो जो लाइक चार्जेस है गोल्ड लीफ से वो लोग अर्थ में फ्लो हो जाएंगे क्योंकि ये माइनस वाला प्लस वाले को पकड़ के रखा है तो ये कहीं नहीं जाएगा ये कहीं नहीं जाएगा कौन जाएगा ये जाएगा ये फ्री है यहाँ पर माइनस वाले क्या करेंगे यहाँ पर ये लो अर्थिंग हो जाएंगे तो यहाँ से माइनस वाला अर्थिंग हो गया मतलब जमीन में गया गायब हो गया समझ में आया ज़मीन में गया और गायब हो गया क्या बच गया ये प्लस वाला बच गया ठीक है <glory> क्या बच गया ये अनलाइक चार्ज ये बच गया फिर ये लोग क्या करेंगे मतलब ये सेटिंग करने के बाद जब हम लोग अर्थिंग को हटा देंगे और ये जब चार्जिंग ऑब्जेक्ट को भी हटा देंगे क्योंकि अर्थिंग करवा दिए ठीक है उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये चार्जिंग ऑब्जेक्ट को जो हम लोग चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी लेके आए थे जब हम लोग उसको भी हटा देंगे तो क्या होगा अच्छा मैं एक और चीज़ बता दूं मैं यहाँ पर आप लोगों को जब समझाई थी तो मैं यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाई थी और यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है तो इसमें कन्फ्यूज मत होना यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लाई थी तो वो भाई वो प्लस वाले को पकड़ के रखा और माइनस वाले को दूर भगा दिया सेम वैसे ही है कि नहीं फिर हम लोग अर्थिंग करवाए अर्थिंग करवाए तो ये प्लस वाला तो कहीं नहीं जाएगा क्योंकि माइनस वाला उसको पकड़ के रखा है कौन जाएगा ये जाएगा तो ये वाला फुर्र होकर अर्थिंग हो जाएगा ये जब अर्थिंग हो गया तब आप लोग क्या करेंगे अर्थिंग को हटा देंगे अर्थिंग वाला सिस्टम हटा देंगे और ये और तार बार हटा के और वो जो चार्ज ऑब्जेक्ट था उसको भी हटा देंगे वो हटा देंगे तो ये जो अनलाइक चार्ज जो यहाँ पर एक्यूमुलेट हुआ था क्योंकि अब ये इलेक्ट्रोस्कोप में ये प्लस वाला है ये प्लस वाला ट्रैवल करके गोल्ड लिप्स के पास चला जाएगा वो यहीं पर नहीं रहता है वो लोग ऐसे मूव कर जाते हैं तो गोल्ड लिप्स में बच्चों क्या आ जाएगा गोल्ड लिप्स में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज जो कि मैं यहाँ बनाई हूँ यहाँ पर ऐसे ठीक है वो ट्रैवल कर जाएगा और गोल्ड लिप्स में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रोस्कोप का चार्ज क्या हो जाएगा पॉजिटिव क्लियर वही चीज़ बच्चों में यहाँ पर लिखी हूँ ठीक है तो हम लोग ऐसे चार्ज कर सकते हैं एक कोई भी इलेक्ट्रोस्कोप को अब चार्ज कर लिए क्योंकि हम लोगों को अभी करना क्या हमारा आपको भी कहानी ख़त्म नहीं हुआ है हम लोगों को जानना है कि वॉट इज़ द नेचर ऑफ़ द चार्ज किस टाइप का चार्ज है प्लस है कि माइनस है जिसके लिए हम लोगों को चाहिए था चार्ज ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप तो हम लोग ऐसे चार्ज कर लिए इलेक्ट्रोस्कोप को अब देखो क्या करेंगे अब स्टार्ट होगा डिटेक्शन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज देखो एकदम शॉर्ट शॉर्ट ऐसे बनाई हूँ बच्चों पूरा अगर मैं लिखूंगी ना तो कहानी बन जाएगा इसलिए मैं चाह रही हूँ नोट्स तो चलो इस इसका मेनली आपको बुक में भी लिखा हुआ मिल जाएगा मैं ट्राई की हूँ कि डायग्राम के हिसाब से आपको समझा दूँ तो काम ख़त्म वही एक्चुअली तरीका होता है <coughs> तो नाउ हाउ टू डिटेक्ट द नेचर ऑफ चार्ज ठीक है अभी कि ऑब्जेक्ट में कौन सा चार्ज है जो भी अब देखो इसके लिए हम लोग को चाहिए एक चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप तो हम लोग यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं ठीक है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप लिए हैं अब हम लोग क्या कर रहे हैं सपोज़ आपके आपको ये पता है कि हाँ आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है पर आपके पास अभी दूसरा बार मतलब ये फर्स्ट स्टेप है सेकेंड स्टेप में आपको लाना है एक चार्ज बॉडी अभी आपको नहीं पता कि मेरे पास जो बॉडी जो चार्ज बॉडी इसमें कौन सा चार्ज आपको वही तो पता करना है ना नेचर ऑफ चार्ज तो आपको पता करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट मैं लेके आ रही हूँ इसमें प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है क्योंकि ये चार्ज तो रहेगा पर कौन सा आपको नहीं बताया जाएगा तो आप लोग क्या करोगे आप लोग इसको टच करवाओगे जैसे ही आप लोग इसको टच करवाओगे तो क्या होगा बिकॉज आपको ये पता है कि आपके पास नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोस्कोप है अगर आप लोग वो ऑब्जेक्ट को टच करवाएं और आप लोग देखिए कि अगर आपका ये गोल्ड लिप्स डाइवर्ज हो गया ऐसे दैट मीन्स डेफिनेटली अगर इसमें पहले से नेगेटिव चार्ज था अगर ये डाइवर्ज हो गया टच करने के बाद डेफिनेटली वो जो ऑब्जेक्ट आप लोग टच करवाए उसमें नेगेटिव चार्ज है क्योंकि सेम सेम रहने से डाइवर्जेंस रिपेल होता है क्या हो रहा है समझो अब समझो ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था था हम लोग टच करवाए नेगेटिवली चार्ज रॉड को इसमें नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ़्लो करता है इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ से निकल के यहाँ जाएगा जब इसमें और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ऑलरेडी ये नेगेटिवली चार्ज था जब इस इसमें और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज आ गया तो चार्ज सेम वाले हैं भाई तो वो लोग रिपेल करेंगे इसीलिए ये और डाइवर्ज हो जाएगा तो ये शो करता है कि जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उस पर नेगेटिव चार्ज है क्लियर लेकिन अगर आप लोग इसको ऑपोजिट लेके आओगे ऐसे ऐसे वही आपके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप था आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज वाला है आप लोग लेके आए प्लस वाला और उसको टच करवाए तो बच्चों आप लोग पॉजिटिवली चार्ज को टच करवा रहे हो मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रोस्कोप था वो पहले से ऐसे डाइवर्स था क्योंकि सेम सेम चार्ज है ना वो डायवर्ज करते हैं ऐसे लिप्स को आप लोग पॉजिटिवली चार्ज रॉड को टच करवाए तो बच्चों ये प्लस वाले मतलब प्रोटॉन्स तो मूव नहीं करते हैं है ना इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर की तरफ मूव करेंगे ठीक है जब आप लोग प्लस वाले को टच करवाए तो ये नेगेटिव वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोग ऊपर की तरफ मूव कर जाएंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ पर जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाएंगे तो क्या होगा ये जो डाइवर्जेंस पहले जितना था अब वो कम हो जाएगा बिकॉज इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो डाइवर्जेंस कम हो जाएगा अगर अगर इलेक्ट्रोस्कोप चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप में आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को टच करवाओगे तो अगर आप लोग सॉरी ऐसे नहीं बताना चाहिए ऐसे बताना चाहिए मुझे कि अगर आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है अभी आपको पता करना था ना कि आप जो ले कर आ रहे हो आपके पास जो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसमें प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है तो आप लोग उसको टच करवाएं अगर इसका डाइवर्जेंस कम हो गया तो ये डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव होगा अगर डाइवर्जेंस बढ़ गया तो सेम सेम चार्ज वाला होगा ऐसे याद रखना है इसको समझ में आया देखो यहाँ पर डाइवर्जेंस कम करके मैं दिखाई हूँ इसको ऐसे ही याद रखना ओके इसके बाद बच्चों हम लोग थोड़ा लाइटनिंग और लाइटनिंग कंडक्टर के बारे में जानेंगे लाइटनिंग का मतलब सबको पता है बिजली जो गरज बिजली बिजली क्या होता है बिजली बिजली होता है ना ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग ठीक है, है? कहीं पर बिजली गिर जाता है कहीं पर जोर से बिजली चमकता है दैट इज़ कॉल्ड लाइटनिंग तो लाइटनिंग एक नेचुरल फिनोमिनन तो है ही बट इसमें साइंस कैसे है बच्चों देखो ये एक ऐसा फिनोमिनन होता है ना जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करते हैं येस लाइटनिंग में भी सोचो तभी तो देखना कहीं बिजली गिरता है तो आगे पकड़ लेता है इतना ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है सो so, ये एक ऐसा फिनोमिनन है जिसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स फ़्लो करते होंगे है ना तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है कहाँ से कहाँ जैसे बादल से ऊपर उप, बादल में तो बिजली ग, ग, क्या बोलते हैं बिजली दिखता है ना हम लोगों को तो बादल से ज़मीन की तरफ या तो फ्लो कर सकते हैं या फिर एक बादल से दूसरे बादल एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में ठीक है तो एक फिनल है जिसमें फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस टेक प्लेस फ्रॉम वन क्लाउड टू अनादर या फिर फ्रॉम अ क्लाउड टू द ग्राउंड ऐसा ही होता है इसके बारे में शायद पढ़ोगे आप लोग और आगे ठीक है अभी तो नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ देन अब जो टॉल टॉल बिल्डिंग्स होते हैं क्योंकि वो लोग तो बहुत बहुत क्लोज होते हैं बादल से भी क्योंकि लंबे लंबे जो ऊंचे ऊँचे स्काई स्क्रैपर्स होते हैं और बहुत बड़े बड़े जो बिल्डिंग होते हैं बड़े तो नहीं बोलना चाहिए टॉल टॉल बिल्डिंग्स होते हैं बारिश वरिश में उनका छत उत पानी गिरता है वाटर तो भाई गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का तो वहाँ पर ना बिजली गिरने का चांस बहुत ज़्यादा होता है तो उनको इतना देखो मेहनत लगता है वो सब बनाने के लिए है ना तो हम लोग ट्राई करेंगे ना कि भाई अगर हम लोग इतना टॉल टॉल बिल्डिंग्स हमारा है या हम उसमें रहते हैं या कोई अगर बनवाया है तो वो लोग सब ट्राई करते हैं कि उसको डैमेज ना हो वहाँ के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो डैमेज ना हो बिजली से तो खासकर उसको कोई फ़र्क ना पड़े उसको कुछ हो नहीं तो उसके लिए बच्चों आता है एक लाइटनिंग कंडक्टर ये ये होता है लाइटनिंग कंडक्टर इस टाइप से आप लोग माइंड करना अभी मेरे घर के सामने में भी एक टावर है उसके ऊपर में भी ये लगा हुआ है ये लाइटनिंग कंडक्टर है ये बचाता है बिजली से ठीक है अभी तो ये लोग कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि टॉल बिल्डिंग्स को किससे बचाते हैं लाइटनिंग से बचाते हैं है. तो ये मेटल रॉड होते हैं बच्चों लंबे लंबे मेटल के रॉड होते हैं जो कि या तो कॉपर से या फिर आयरन से बनते हैं और अच्छे कंडक्टर से ये बनता है कॉपर से या फिर आयरन से बन सकता है इसका जो टॉप एंड है, इस तो है, है इसमें से तीन टू स्पाइक्स मतलब बेसिकली इस टाइप सी रहता है जैसे पॉइंटेड स्पाइक्स होते हैं इसमें और जो लोअर एंड होता है ये ना वो मेटल का प्लेट या तो कॉपर का बेसिकली उससे कनेक्ट होता है ये जो होता है ये कॉपर का प्लेट से इसको कनेक्ट करके जमीन के अंदर इसको अर्थिंग अर्थिंग करवाते हैं इट इज़ बरेड डीप इनसाइड द अर्थ इसका जो लोअर एंड है इसको कॉपर का प्लेट से कनेक्ट करके अर्थिंग वाला इसमें काम करवाते हैं ठीक है यही बचाता है हमको वैन थंडर क्लाउड्स पास ओवर अ लाइटनिंग कंडक्टर जब ऊंचा ऊंचा बिल्डिंग के ऊपर से बादल ठीक है जब क्रॉस करता है अब भाई थंडर क्लाउड है बिजली फिजली वाला लाइक देखना जब मौसम खराब होता है तो बिजली कड़कता है ना जोर से उस टाइप का बादल जब क्रॉस करता है या इसके पास से गुजरता है अ चार्ज ऑपोजिट टू लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड इज इंड्यूस्ड ऑन द स्पाइक्स ऑफ दी वॉट लाइटनिंग रॉड कहा गया पेपर जैसे कि ये बादल और ये हो गया अपना इस टाइप से सॉरी ठीक है अब ये यहाँ से क्रॉस किया तो सपोज़ यहाँ पर नीचे में माइनस चार्ज है क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं ना दे कैरी चार्ज नीचे तरफ अलग चार्ज होते हैं ऊपर तरफ उनके अलग चार्ज होते हैं सपोज क्लाउड का लोअर पोर्शन में माइनस चार्ज है और यहाँ से ये यह क्रॉस कर रहा है ठीक है तो ये क्या करता है ना इसके पास आता है तो इसमें चार्ज इंड्यूस कर जाता है ऑपोजिट चार्ज याद करो जो हमने इंडक्शन वाला पढ़े थे तो इसमें सपोज ये पॉजिटिव चार्ज डाल दिया समझ में आया इसलिए मैं, मैं यहाँ पर लिखी हूँ वेन थंडर क्लाउड्स पास ओवर अ लाइटनिंग कंडक्टर जब ये लोग लाइटनिंग कंडक्टर के पास से क्रॉस करते हैं अ चार्ज ऑपोजिट टू द लोअर पोर्शन ऑफ द क्लाउड इज इंड्यूस्ड ऑन द स्पाइक्स ऑफ द लाइटनिंग रॉड ठीक है ये हुआ नाउ ध्यान से तो बच्चों ये चीज़ आप लोग याद रखना मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ मे बी आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे बट इसको याद रखना कि हमारा जो ये क्लाउड्स होता है क्लाउड्स में ना चार्ज डेवलप होते हैं वो फ्रिक्शन व्रिक्शन होता है एयर पार्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ों के बीच में हायर क्लासेस में पढ़ोगे बट इतना याद रखना कि क्लाउड्स दे कैरी चार्ज अब क्लाउड का ना जो अपर पोर्शन होता है उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज ये फिक्स है क्लाउड के ऊपर वाले पोर्शन तरफ में रहते हैं पॉजिटिव चार्ज और जो लोअर एंड होते हैं ना वहाँ पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होता है और जब ये लोग लाइटनिंग कंडक्टर के पास से ट्रैवल करते हैं तो इंडक्शन की वजह से ये लोग इंड्यूस कर देते हैं इसमें चार्ज ऑपोजिट चार्ज अगर इसमें नेगेटिव है तो डेफिनेटली इसमें पॉजिटिव आएगा अब देखो यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है मतलब अभी क्या होगा यहाँ पर डिफरेंस इन चार्ज अब इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है अभी तो नेगेटिव चार्ज है है। है है, है? है ना और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कैसे फ्लो है फ्लो फ्लो करता करता बच्चों? पर डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन नहीं नहीं ठीक है? आप लोगों को पता इंडक्शन में डायरेक्ट ऑफ कभी भी नहीं होता है ठीक है? ये चीज को याद रखना। तो बेसिकली क्या होगा? ऐसे इंड्यूस हो जाएगा चार्ज, अब कि ये लोग ना एयर जो कि एक बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको भी ये लोग उसका इंसुलेशन को भी ब्रेक कर देंगे क्योंकि एयर बच्चों इंसुलेटर होता है हवा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता ये सब तो हवा में ही होता है पर सोचो यहाँ पर इतना स्ट्रॉन्ग एट्रैक्शन होता है कि ये लोग एयर का वो जो क्या बोलते हैं एयर जो बेसिकली बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का उसको भी वो चीज़ को भी ये लोग मतलब पीछे छोड़ देते हैं ओवरकम कर देते हैं एंड यहाँ से चार्ज फ्लो हो जाता है समझ में आया ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस द चार्ज ऑफ द क्लाउड क्लाउड का चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है थ्रू दी मेटल स्पाइक्स मतलब ये ऑपोजिट चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से चार्ज का क्लाउड नीचे की तरफ मेटल स्पाइक्स लोग उसको घींच लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग घींच लेते हैं क्लाउड का चार्ज डिस्चार्ज हो जाता है ठीक है एंड फ्लो इन टू द ग्राउंड और ये अच्छी बात रहती है कि यहां पर हम लोग वो अर्थिंग करे थे ना कॉपर का प्लेट से अटैच करके जमीन में इसका अर्थिंग किए थे तो बच जाता है बिल्डिंग बिजली से अगर नहीं होता तो कैसे बिजली गिरता बिल्डिंग में समझ में आया द बिल्डिंग फ्रॉम अ पोटेंशियली डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग स्ट्राइक तो ऐसा होता है समझ में आया क्लियर तो लाइटनिंग का हम लोग यहीं तक ख़त्म करते हैं लाइटनिंग का और ज़्यादा नहीं है इसके बाद शायद इलेक्ट्रिसिटी एट होम घर का लाइक like, होम में जो जिस टाइप से क्या सप्लाई होता है जो भी हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं उससे रिलेटेड होगा ठीक है उसको हम थर्ड पार्ट में कर लेंगे चैप्टर काफ़ी बड़ा है समझ में आया ना बहुत बड़ा है चैप्टर आप लोगों का ये वाला ये एट सिक्स सेवन एट का यही होता है कि आई का चैप्टर्स कम होंगे आठ आठ चैप्टर होंगे ऐसा लगता है ना साल भर में सिर्फ आठ चैप्टर लेकिन उसको लेंदी बना देता है इसका भी वही हाल है ठीक है इसके बाद देखते हैं और दो पार्ट बनेगा कि एक पार्ट बनेगा ठीक है बच्चों आप लोग उसको पढ़ो समझो वीडियो को ना मैं खुद रिकमेंड कर रही हूँ कि एटलीस्ट दो से तीन बार देख के समझो तो जाके ना चीज़ें क्लियर होगी आप लोग सोचो कि एक बार में हम लोग इस चैप्टर को पढ़ लें और हो गया तो ऐसा नहीं है ध्यान देना पड़ेगा ठीक है सो so, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना थैंक यू